वेलकम टू टारगेट एग्जाम। आज हम इस वीडियो में 23 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं उन सभी सवाल के जवाब इस वीडियो में विस्तार समझेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में आपसे भी एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में अंडर 17 जूनियर बॉयज सुब्रत कप फुटबॉल टूर्नामेंट कप किसने जीता है? तो हाल ही में मेघालय की होपवेल एलियास हायर सेकेंडरी स्कूल है जिन्होंने बांग्लादेश की क्रीडा शिक्षा प्रतिष्ठान को हराकर अंडर 17 जूनियर बॉयज सुब्रता कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी बांग्लादेश की होपवेल एलियास हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिन्होंने अंडर 17 जूनियर बॉयज सुब्रता कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। अगला सवाल, स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए वर्धा में स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। और यह विद्यालय है जो सफाई, स्वच्छता और पर्यावरण में अनुसंधान अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वर्धा में स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने IAEA बोर्ड की सदस्यता हासिल की है? तो हाल ही में सऊदी अरब ने 2019 से लेकर 2020 तक 2 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्यता हासिल की है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सऊदी अरब। अगला सवाल, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लेटिंग रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है जिसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्लेटिंग रेटिंग से सम्मानित किया गया है, और यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन भी बन गया है जिसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्लेटिंग रेटिंग से सम्मानित किया गया है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जिसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्लेटिंग रेटिंग से सम्मानित किया है। अगला सवाल, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जहाँ इस विद्यालय में छात्रों को औपचारिक शिक्षा तथा डायरेक्ट उपाधि के साथ साथ पुलिस विज्ञान में PG डिप्लोमा भी प्रदान किया जाएगा। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता की शिकायतों के तत्वरित और समस्या का निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 की शुरुआत की है, और इस हेल्पलाइन के जरिए राज्य के सभी लोग अब शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने में सक्षम होंगे और शिकायतों के प्रति निगरानी भी रख सकेंगे। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हिमाचल राज्य में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन का शुभारम्भ किया गया है। और लास्ट में अब अभ्यास सवाल जिसका आपको कमेंट करके जवाब बताना है। हाल ही में बेटी दिवस कब मनाया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।